नमस्कार, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। एक समय पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस का ये नारा था, पर महाराष्ट्र के नेताजी यानी उद्धव ठाकरे का नारा है, तुम मुझे सीएम पद दो मैं तुम्हें सत्ता और सरकार दूंगा। जी हाँ, अब की बार महाराष्ट्र में जुगाड़ की सरकार, जोर तोड़ की सरकार, कर्नाटक का फॉर्मूला वाली सरकार। कुर्सी के लिए सिद्धांतों को गिरवी रख चुके हैं शिवसेना और कांग्रेस वाले, और अब बनाएंगे महामिलावट वाली सरकार। सरकार की सेल है और सियासी दल ये कह रहे हैं लगाओ बोली बनाओ सरकार। महाराष्ट्र का सत्ता बाजार या सट्टा बाजार दोनों चालू है, देखिए। सेल 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 लगी है महाराष्ट्र में सत्ता की सेल। बीजेपी का साथ छोड़कर और एनडीए से टूटकर रास्ते पर आई शिवसेना ने कुर्सी के लिए सत्ता का बाजार खोल दिया है। तुम मुझे सीएम दो मैं तुम्हें सत्ता दूंगा, शिवसेना कह रही है। बस सीएम की कुर्सी दो और जो मर्जी ले लो, बस सीएम की कुर्सी दे दो और पूरा मंत्रिमंडल ले लो, बस सीएम की कुर्सी दे दो और पूरी सरकार ले लो। महाराष्ट्र में लगाओ बोली बनाओ सरकार। महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ दिनों से यही चल रहा है और सत्ता की सेल लगी हुई है, नीलामी भी हो रही है, और जो सबसे ज्यादा बोली लगाएगा शिवसेना उसी के साथ चली जाएगी। अस्पताल में बैठे संजय राउत सीएम कुर्सी के लिए जुगाड़ लगा रहे थे। आज जैसे ही कांग्रेस नेता संजय राउत से मिलने पहुंचे, इत्तेफाक ऐसा था कि संजय राउत अचानक ठीक होकर अस्पताल से बाहर भी आ गए, और बाहर आते ही अपने स्वास्थ्य की जगह उनकी जुबान से पहला शब्द यही निकला, सीएम शिवसेना का ही होगा, शिवसेना का मुख्यमंत्री होगा। पाँच पाँच चल रही है, मुख्यमंत्री शिवसेना होना। हमारे और कांग्रेस के बीच तो बहुत जल्द डिसीजन हो सकता है, लेकिन उसके बाद जिनके साथ बात करनी है, समझो शिवसेना के साथ, तो शिवसेना अभी हमारे साथ क्या बात करनी है उसके बारे में डिसीजन लेगी, और हम कांग्रेस हम मिलके उनके साथ बात करें। सीएम की कुर्सी के लिए शिवसेना ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया है, लेकिन एनसीपी और कांग्रेस ने अभी तक कोई फैसला नहीं किया और एक कमेटी बना दी है, यानी उन्हें शिवसेना पर भरोसा नहीं है। इसकी एक बड़ी वजह भी है, जैसे ही देवेंद्र फडणवीस ने दावा किया कि महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार बनेगी, लगता है कि शिवसेना वापस बीजेपी की शरण में जा सकती है। तभी तो बीजेपी को आंखें दिखाने वाले उद्धव ठाकरे ने एक बार भी नहीं कहा कि वो गठबंधन से अलग हो गए हैं। चर्चा पुढे सरकत आहे, त्याच्यामुळे चर्चा जेव्हा पूर्ण होईल तेव्हा त्याचा जो काही निर्णय आहे तो आपण समोर येणार आहे। त्याच्यामुळे कृपा करून काही गडबड करू नका। निर्णय कब तक हो जाएगा सर, निर्णय कब तक हो जाएगा? योग्य वेळेला निर्णय आपल्याला कळेल, पण मी एवढंच म्हणत की चर्चा योग्य दिशेने सुरू झालेली आहे। सत्ता लाने का हम कोशिश करेंगे। बीजेपी ने किसी विधायक 145 हमारे होने चाहिए, इसके लिए कोशिश रहेंगी। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस चाहती है कि सरकार में तीनों दल की बराबर हिस्सेदारी के साथ हर एक दल की एक तिहाई नुमाइंदगी हो। इन सब जोड़ तोड़ के बीच महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगा है, और जनता ने जिन्हें जनादेश दिया उन्हें लोकतंत्र का कैसा बाजार लगा दिया ये देखने के लिए मजबूर है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो चलिए बहस शुरू करें, उससे पहले एक ताजा और ब्रेकिंग अपडेट ले लेते हैं। हमारे संवाददाता अभिषेक शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त मुंबई से, मातोश्री के बाहर से। अभिषेक शर्मा, इस पूरे सियासी महानाटक में कौन सी अगली डेवलपमेंट हुई है? उद्धव ठाकरे कांग्रेस के नेताओं से मिले थे लंच के लिए होटल ट्राइडेंट पे, उसके बाद क्या अपडेट है? बिल्कुल, देखिए वो मिलकर अब मातोश्री वापस लौट आए हैं। उद्धव ठाकरे अपने तमाम नेताओं से वापस मुलाकात लगातार हुआ मुलाकात कर रहे हैं। देखिए नया डेवलपमेंट कह सकते हैं, इसी बात को लेकर बड़ी बात हुई है कि दोनों के बीच में कहीं ना कहीं कांग्रेस और शिवसेना के बीच में जो कांग्रेस सबसे बड़ा रोड़ा बन रही थी पूरे रास्ते की, महाराष्ट्र में शिवसेना का सीएम हो पाएगा नहीं हो पाएगा,
कहीं कहीं रोड़ा खत्म होता दिखाई पड़ रहा है। कांग्रेस भी एक कदम आगे आई है और शिवसेना भी एक कदम आगे आई है, इसलिए दोनों चलकर एक जगह बैठे हैं। एक घंटे तक मुलाकात हुई है और मुलाकात होने के बाद तमाम ऐसे विषय जो है, क्योंकि देखिए दो मुद्दे ऐसे हैं कि जिसके ऊपर कांग्रेस का सहमति बन पाना बड़ा मुश्किल हो रहा था। कारण साफ है कि एनसीपी और कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो आया था वह एक आया था और शिवसेना का जो मैनिफेस्टो था पूरा का पूरा अलग था। इसके वजह से जो आम सहमति बननी है, इसीलिए कहा जा रहा है कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो बनेगा वो एक साथ मिलकर बनेगा, ताकि जो शिवसेना का जो मैनिफेस्टो है, क्योंकि शिवसेना को पूरा करना पड़ेगा, वो बताएगी कि हमने मैनिफेस्टो जारी किया था। अभिषेक, सरकार बनती है तो हमसे जनता पूछेगी क्या करना है, वही कांग्रेस एनसीपी पूछेंगे। अभिषेक, उद्धव ठाकरे का कहना है कि बातचीत तो अभी शुरू हुई है, तो क्या एक और महीना लगेगा? कितना समय लगेगा बातचीत खत्म होने में, सरकार बनने में? कब तक महाराष्ट्र की जनता को राष्ट्रपति शासन भुगतना पड़ेगा? देखिए बिल्कुल देखिए इस पूरे मामले पर कोई भी, चाहे कांग्रेस, एनसीपी या फिर उद्धव ठाकरे, कोई भी निश्चित समय सीमा नहीं बता रहेगा कि कब तक सरकार बना ले जाएंगे। लेकिन हाँ, हमारे जो सूत्र बता रहे हैं, कम से कम लग रहा है कम से कम 8 से 10 दिन बिल्कुल लग जाएंगे। जो आपको पता है कांग्रेस का जो काम करने का तरीका है वो थोड़ा सा स्लो है और अपने तरीके से काम किया करती है, तो कांग्रेस को तमाम चीजें पकाकर खाना होता है और इसी वजह से वह स्लो टाइम लगेगा बिल्कुल। और मुझे जो जानकारी सूत्रों का मिल रही है, पूरे प्रोसेस में कम से कम 8 से 10 दिन लगेगा और सरकार बनाने महाराष्ट्र में। तो ऐसा लगता है कि 8 से 10 दिन और महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन कम से कम रहेगा, क्योंकि बात अभी तक बन नहीं पाई है, खिचड़ी अभी तक बन नहीं पाई है। पर आज का हैशटैग क्या है? आज का हैशटैग है महानाटक। देखिए महानाटक अभी भी चल रहा है और ऑनलाइन सवाल हमारा यही है कि शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी की सरकार दरअसल वोटरों के साथ, महाराष्ट्र के 9 करोड़ वोटरों के साथ ये एक धोखा है। और महाराष्ट्र में पहला मुद्दा यही है कि महाराष्ट्र में जो लगी है सरकार, उसकी सेल। देखिए मैं 3 बार सेल कह रहा हूं और सेल के साथ क्या होता है, कंडीशंस अप्लाई। यहाँ दौर विचारधारा का नहीं है, यहाँ दौर है सत्ताधारा का, सिर्फ और सिर्फ सत्ता पाना है। सब कुछ सेल पर है, विचारधारा, उसूल और मौका परस्ती और अवसरवाद की राजनीति का एक ही तो उसूल है कि राजनीति में कोई किसी का स्थायी दोस्त नहीं, स्थायी दुश्मन नहीं, सिर्फ स्थायी हित है। 20 दिन हो गए, ना किसी ने किसानों की बात की, ना पीएमसी डिपॉजिटर की बात की, ये प्राथमिकता नहीं है। प्राथमिकता क्या है कि हमें मुख्यमंत्री का पद चाहिए। कांग्रेस ने वॉशिंग मशीन में शिवसेना को डाला, शिवसेना जो कल तक एंटी हिंदू पार्टी कहती थी कांग्रेस को, उनको गले से मिल लिए। और मेरे साथ कुछ मेहमान है, उन्हीं से पूछ लेते हैं कि चल क्या रहा है, ये सत्ता की सेल, सत्ता का सट्टा बाजार खुल कैसे चुका है। मेरे साथ मुझे दिख रहा है स्क्रीन पर शिवसेना के प्रवक्ता और शिवसेना के लीडर जुड़ चुके हैं, विजय कृष्णा जी। नमस्कार विजय कृष्णा जी, आपको पीछे बालासाहेब ठाकरे की नहीं, सुशील कुमार शिंदे की फोटो लगा देनी चाहिए। बहरहाल मेरे साथ सैयद अब्बास, कांग्रेस के करीबी और राजनीतिक विश्लेषक जुड़ चुके हैं। मेरे साथ एनसीपी की नेता रेशमा पटेल जुड़ चुकी है। मेरे साथ बीजेपी से उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव जेटली जुड़ चुके हैं। और मेरे साथ स्टूडियो में इस वक्त राजनीतिक विश्लेषक शांतनु गुप्ता जुड़ चुके हैं। पर पहला सवाल मैं सैयद अब्बास और विजय कृष्णा के पास जाना चाहता हूं। सैयद अब्बास, विजय कृष्णा को स्क्रीन पर लाइए, मैं उनसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। मैं देखिए 8-10 दिन आप लोग मैनिफेस्टो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाएंगे, इससे अच्छा मैंने सोचा राइट है रॉन्ग है, आप लोगों का कॉमन मिनिमम प्रोग्राम मैं ही बना लेता हूं। तो चलिए विजय कृष्णा जी और सैयद अब्बास जी, वीर सावरकर को लेकर शिवसेना की क्या सोच है, और सैयद अब्बास जी आप कांग्रेस की सोच बताइए। वीर सावरकर भारत रत्न या वीर सावरकर देशद्रोही? विजय कृष्णा जी एक एक शब्द में जवाब देना है। ठीक है, मैं बताना चाहूंगा, एक शब्द बताइए, वीर सावरकर देशद्रोही या भारत रत्न? ठीक है, वो ऐसी है जैसे बीजेपी और पीडीपी की जो कोएलिशन गवर्नमेंट थी वो क्या थी, बीजेपी और पीडीपी की? आप उन्हें तो सवाल नहीं पूछते, उन्हें तो सवाल नहीं पूछा आपने शहजाद साहब। नहीं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्योंकि आप लोग कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना रहे हैं, आप लोग साथ में आ रहे हैं, विचारधारा को आपने ताक पे रख दिया है सारा, बाल ठाकरे की विचारधारा को नीलाम करते हुए सत्ता के लिए आप लोग एक आ रहे हैं शिवसेना वाले। तो मैं शिवसेना से पूछना चाहता हूं कि शिवसेना जो है ये सरकार बनाना चाहती है, नारा यही है ना उद्धव ठाकरे का कि मुझे सीएम पद दो और मैं आपको सत्ता दूंगा, यही फॉर्मूला तय हो रहा है विजय कृष्णा? मैं पहला का समाधान न दे सकता हूं क्या जी? पहला समाधान, कभी भी वीर सावरकर जी देश के एक महान नेता है, कुछ ही कारण से उनकी ख्याति बाहर नहीं आया है। लेकिन हमारा जो सैद्धांतिक गुरु कहते हैं, हमारा सैद्धांतिक गुरु बीजेपी के लिए या किसी भी हिंदुत्व के लिए वीर सावरकर ही,
लेकिन आज हम विचारधारा साइड में नहीं रखा है, आप क्या बात कर रहे हैं, शेटकारी की समस्या है, पीएससी बैंक स्कैम हो गया है, जो सर मुझे ये सब बताइए, जो वो पैसा रिटर्न आना है उसके लिए सर, बात करने के लिए बात करने के लिए एक मजबूत सरकार चाहिए कांग्रेस, इसलिए सर ऐसा है विजय कृष्णा जी, कांग्रेस एनसीपी होंगे पहले शर्तों पे हो जाए बात, तो शर्त क्या है, शर्त क्या है, शिवसेना से क्या मांग रहे हैं, सत्ता में हिस्सेदारी, मैंने सुना है 2.5 साल की मुख्यमंत्री पद भी मांग रहे हैं एनसीपी, ये सारी शर्तें रखी है, 14 मंत्रालय कांग्रेस को, 14 मंत्रालय एनसीपी को, क्या डील हो रही है आपको, आपको मालूम है शरद के बिना एक एक बात एक मुझे बात करने के लिए, शरद के बिना महायुति भी नहीं चलेगी, ना तो महाशिव आघाड़ी भी नहीं चलेगी। आप थोड़ा हम पॉलिटिक्स करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, मैं मीडिया को विज्ञापन देते हैं, आप शुरू से ही शिवसेना को दोष बताने की कोशिश कर रहे हैं, मैं आपसे विनती करना चाहता हूं, जैसा एक बिल्ली दूध पीती है समझते हैं मुझे दुनिया नहीं देख रही है, ऐसे आज बीजेपी क्या क्या कर रहे हैं आपको मालूम है, लेकिन आजकल तो लोग कह रहे हैं कि यार बात आपका टाइगर जो है शिवसेना का टाइगर वो भीगी बिल्ली बन चुका है, और नया मातोश्री मातोश्री से हटके सोनिया मातोश्री बन चुकी है। बहरहाल एनसीपी के पास चलना चाहता हूँ, रेशमा पटेल क्या डील हो रही है, लंच के साथ साथ क्या क्या ऑफर किया जा रहा है आपको, और ऐसी क्या संजीवनी बूटी लेकर चले गए कांग्रेस वाले और आपके जो गठबंधन वाले हैं कि संजय राउत तुरंत हॉस्पिटल से बाहर भी आ गए आज और फिर से बयान देने लगे कि मुख्यमंत्री हमारा ही बनेगा, क्या डील है? देखिए सहजा जी, यहाँ पे कोई खिचड़ी नहीं पक रही है, यहाँ पे महाराष्ट्र की जनता के बहुत बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं, इसलिए आप इसको इतना भी नेगेटिव नहीं बोल सकते। हाँ, विचारधारा की बात है तो डिफरेंस ही हम तक मानती, इसीलिए तो वक्त लग रहा है, विचारधारा अगर एक होती तो सबका फैसला आज का होता, विचारधारा की लड़ाई जो हमने अपोजिट पार्टियों ने लड़ी थी उसको अगर साथ में बैठने की बारी आती तो बीजेपी की तरफ का सोचे समझे किसी से नहीं ले सकते, इसीलिए तो महाराष्ट्र की जनता की क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमारा बेनिफिट चले। रेशमा आपकी आपकी ऑडियो ठीक नहीं आ रही है और मुझे कम से कम उम्मीद है कि उद्धव ठाकरे तक आपकी बात ठीक से पहुंच पा रही है, पर हम आपका ऑडियो ठीक करा के आते हैं। शांतनु गुप्ता, राजीव जेटली मैं आपके पास आ रहा हूं, शांतनु गुप्ता क्या शिवसेना कॉम्प्रोमाइज कर चुकी है अपनी हिंदुत्व की आइडियोलॉजी और आज जो है सत्ता की लालच में सत्ता की हवस में उसने बाला साहेब ठाकरे की तमाम आइडियोलॉजी को गिरवी रख दिया है? ठीक है आपने शहनाज, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे और उनकी पार्टी उनकी विचारधारा को पुत्र मोह में, जैसे धृतराष्ट्र ने पुत्र मोह में पूरे कौरव वंश को नष्ट कर दिया था, शिवसेना मेरा वर्ड मार्क कर लीजिए नष्ट होने जा रही है, शायद 6 महीने सरकार बना लें, शायद 2 महीने सरकार बना लें, आपको कांग्रेस का इतिहास पता है, चाहे वो 95-96 में कितने प्रधानमंत्री कांग्रेस ने गिराए, ये पार्टी नष्ट होने जा रही है। अगर पिछले 18 दिन में जो भी टीवी पे देखा हम लोगों ने उससे एक संकेत जाता है शिवसेना नष्ट होने जा रही है, कांग्रेस और एनसीपी को एक ब्रीदिंग ग्राउंड मिल गया है बस जी। केवल पुत्र मोह में उन्होंने देखिए क्या 50-50 का फॉर्मूला हुआ था उसमें मैंने बहुत सारी स्पीचें सुनी, भाजपा की जो स्पीच थी जिसमें शिवसेना के भी कैंडिडेट बैठे हैं उसमें बोल रहे हैं कि फडणवीस जी की नेतृत्व में सरकार बनने वाली, तब क्यों नहीं विरोध करा? अमित शाह के 4 इंटरव्यू हैं जिनमें जब पूछा गया कि आपके मुख्यमंत्री कौन होंगे, उनके मुख्यमंत्री फडणवीस होंगे, तब क्यों नहीं विरोध करा? अब जैसे ही वर्ली से इनका लड़का जीत गया, नहीं नहीं मेरा पुत्र ही सीएम बनेगा, पूरी महाराष्ट्र की 9 करोड़ की जनता के साथ विश्वासघात किया है महाराष्ट्र की जनता के साथ विश्वासघात किया। राजीव जेटली मैं आपके पास आना चाहता हूं, मुझे मेरे सूत्र बता रहे हैं, शो से पहले मुझे एक खास सूत्र ने बताया कि उद्धव ठाकरे को कांग्रेस ने यह आदेश दिया है कि आप हिंदुत्व की बातें छोड़ देंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड पे बोलना छोड़ देंगे और वीर सावरकर के लिए भारत रत्न डिमांड करना छोड़ देंगे, और इस पर उद्धव ठाकरे मुझे लगता है मान गए हैं क्योंकि उनको मुख्यमंत्री पद चाहिए। माय गॉड, इसका जवाब विजय जी से भी लेंगे पर पहले आपकी प्रतिक्रिया। देखिए मैं तो नहीं शहजाद भाई, मैं एक ही बात बोलना चाहता हूं, आपका प्रोग्राम पूरा महाराष्ट्र विजय जी से भी लेंगे पर पहले आपकी प्रतिक्रिया। देखिए मैं तो नहीं शहजाद भाई, मैं एक ही बात बोलना चाहता हूं, आपका प्रोग्राम पूरा महाराष्ट्र देख रहा है, पूरा देश देख रहा है, और महाराष्ट्र और देश की जनता ने ये देखा कि हमने अपना मैंडेट किसको दिया,
देखिए आज हमारा छोटा भाई है शिवसेना, नाराजगी हो सकती है सत्ता की वजह से, मुख्यमंत्री पद की वजह से इन्हें हर जगह कॉम्प्रोमाइज करना पड़ जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने स्टैंड पे कायम है। हमारा जो भी एजेंडा रहता है, हमारी जो भी विचारधारा होती है, अपनी विचारधारा से पीछे नहीं हटते हम। इसीलिए हमने सबसे पहले कहा राज्यपाल के पास जाकर के कि बावजूद उसके कि सबसे बड़ा मैंडेट भारतीय जनता पार्टी को मिला, सबसे ज्यादा सीटें 105 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली, आप देखिए दूसरी पार्टियों को तो हमारे 50% भी नहीं मिली, बावजूद उसके हमने कहा कि हमारे पास समर्थन नहीं है, हम सरकार नहीं बनाने जा रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी जी, तीनों ने इंटरप्ट करने के लिए माफी चाहूंगा, आपने विचारधारा की बात की क्योंकि आप हरियाणा से हैं, तो मुझे जरा बता दें कि दुष्यंत चौटाला की पार्टी और आपकी विचारधारा कितनी मेल खाती थी। ऐसा सवाल हो रहा है तो आज नहीं लगभग 30 साल से भारतीय जनता मैं बता देता हूं उसका जवाब 30 साल से दुष्यंत चौटाला की दादा की पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन रहा है हरियाणा में। हमेशा दोनों ने कांग्रेस के खिलाफत करी है, कांग्रेस के खिलाफ राजनीति करी है, तो हमारी कोई विचारधारा अलग नहीं थी। मैंने आइए कोई नई पार्टी ऐसी नहीं है जिसके साथ हमारा कभी गठबंधन नहीं रहा था, हमेशा से ही गठबंधन रहा। आप देखिए 2009 में भी रहा, 2000 से पहले से जाके देखिए, हमने सरकार भी इकट्ठी बनाई है, ऐसा नहीं है। बात यहां पर यह आ रही है कि सबसे बड़ा इश्यू कहां पे है, सबसे बड़ा इश्यू ये है कि हमने कहा कि 50-50 के फार्मूले के ऊपर बार बार शिवसेना के हमारे भाई बोल रहे हैं, लेकिन हमने सार्वजनिक मंच पे, नितिन गडकरी जी ने भी अभी 2 दिन पहले आप देखिए बोला कि हमारा अगर कोई मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट किया गया था तो देवेंद्र फडणवीस जी किए गए थे। तो जब सारी बातें क्लियर थी तो फिर ये कहां से नई नई बात है। लेकिन इशू ये नहीं है, इशू ये है कि 24 तारीख को चुनावों का रिजल्ट आया था। राजीव, नारायण राणे कहते हैं कि हम 145 जुटा देंगे, सरकार हमारी ही बनेगी, तो ये नारायण राणे 145 कहां से ला रहे हैं? क्या शिवसेना के लिए दरवाजे अभी खुले? स्टैंड क्या है आपका? आपके आपके सुर भी शिवसेना पे बड़े सॉफ्ट मालूम पड़ रहे हैं। नहीं, मैंने तो अपना नहीं बोल रहे आप उनपे। नहीं, मैं तो आपसे कह रहा हूं, हमने तो कहा कि देखिए शिवसेना ने किसके ऊपर चुनाव लड़ा, हिंदुत्व के ऊपर चुनाव लड़ा, हिंदुत्व की विचारधारा पर चुनाव लड़ा। भारतीय जनता पार्टी एक बड़े भाई के तौर पर महाराष्ट्र के अंदर चुनाव लड़ रही थी, एक ही विचारधारा के साथ लड़ रहे थे। जिन लोगों ने शिवसेना को वोट किया होगा, क्या वो शिवसेना को किया केवल? नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी को भी वोट किया। उन्होंने पता था कि उनका अगला मुख्यमंत्री कौन होने वाला है, ये पूरे महाराष्ट्र की जनता को पता था। वो अलग बात है कि शिवसेना को किसने बरगलाया। अब जिसने बरगलाया, आप देखिए 24 तारीख से घुमा रहे हैं ना इनको, 24 तारीख से। अब जहां राज्यपाल को लेटर देना था, दिया कि हम अपना समर्थन दिखाएंगे, कहां गए वो कांग्रेस की चिट्ठी? कहां गई वो कांग्रेस की चिट्ठी जो कांग्रेस के सभी नेता दिल्ली से कबूतर उड़ा रहे थे, जिसके पैर पर चिट्ठी बांधी थी? नहीं पहुंची ना वो महाराष्ट्र में। शरद पवार साहब भी बीच में इंतजार करते रहे, शिवसेना भी इंतजार करती रही। भाई अगर आप इस तरीके से धोखा खाते रहेंगे तो ये धोखा आपके लिए नहीं है, महाराष्ट्र की जनता। विजय शंकर, बात बोली आप, विजय शंकर स्टैंड लेंगे मिनिमम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, विजय शंकर क्या बोलेंगे? 370 की खिलाफत करेंगे। विजय कृष्णन माफी चाहता हूँ, विजय कृष्णन मैं चाहता हूँ कि देखिए, उद्धव ठाकरे कांग्रेस का डेलीगेशन, एनसीपी का जो पैनल बना है, वो लोग बड़ा समय ले रहे हैं, 8 से 10 दिन लगाएंगे। तो मैं कुछ चीजें यहीं पे सॉल्व करवा देता हूँ आप लोगों के बीच में, ताकि आपका गठबंधन हो जाए। आपने भगवा वस्त्र पहना है, सुशील कुमार शिंदे ने भगवा आतंकवाद कहा था, तो आप सैयद अब्बास को कह दीजिए कि सुशील कुमार शिंदे गलत थे और भगवा कल से वो भी डालना शुरू कर दे, कांग्रेस वाले भगवा से नफरत ना करें, कह दीजिए। सैयद अब्बास मुस्कुरा रहे हैं। विनती करता हूं जी, आप अच्छी तरह से आप बात कर रहे हैं, लेकिन मीडिया ट्रायल करके शिवसेना को दोषी बताना उचित नहीं है। जो सुशील कुमार शिंदे के लिए बात करने के लिए, मैं कांग्रेस प्रवक्ता नहीं हूं, मुझे क्षमा कीजिए, मैं कांग्रेस प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन सुशील कुमार शिंदे जी ने सैयद अब्बास को स्क्रीन पर लाइए, सैयद अब्बास मुस्कुरा रहे थे। सैयद अब्बास, वीर सावरकर के लिए भारत रत्न डिमांड कीजिए जी। वीर सावरकर भारत रत्न है, ये कह दीजिए, शिवसेना की मांग है, आप लोग साथ में जा रहे हैं दम तक। सुनिए शहजाद जी, शहजाद पुनावाला, मैं क्यों डिमांड करूंगा?
सावरकर के लिए कांग्रेस डिमांड करेगी ना सर? कभी भी नहीं कांग्रेस करेगी? मैं कांग्रेस बिल्कुल भी नहीं करेगी। क्यों करेगी कांग्रेस डिमांड? पीडीपी के साथ मिलकर बीजेपी ने क्या किया था भाई साहब, आप बताइए क्या किया था? गुलमुल गए थे ना 3 साल के लिए, क्या हुआ था? धोखाधड़ी किसने की? 50-50 फॉर्मूला क्यों नहीं रखा बीजेपी ने, आप बताइए? सबसे पहली बात, रोटेशनल सीएम का प्रॉमिस क्यों नहीं रखा? सीख के सरकार बना, अमित भाई शाह ने क्यों धोखाधड़ी की? कांग्रेस धोखाधड़ी की जरूरत नहीं थी। और राज्यपाल कोश्यारी साहब बहुत ही होशियारी कर रहे हैं, क्या महाराष्ट्र सरकार बनेगी? बात की मेरे भाई, मैंने बात नहीं किया सैयद अब्बास, मैंने बात नहीं किया सैयद अब्बास, सैयद अब्बास मत कीजिए मेरे बात, बात कीजिए सैयद अब्बास, सैयद अब्बास मुझे खत्म करने दीजिए सैयद अब्बास, 30 सेकंड में खत्म कीजिए शांतनु, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बता रहे पर आप 30 सेकंड में खत्म कीजिए जल्दी से। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं केवल एक छोटी सी चीज बताना चाह रहा हूँ, कोश्यारी जी अपनी होशियारी बता रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। हमारे गवर्नर साहब 2 दिन का वक्त देते हैं बीजेपी के लिए और केवल 24 घंटे, ये कहां की बराबरी है भाई साहब? ये रिपोर्ट का कर्नाटक में 24 घंटे दिए थे सर, भूल गए क्या? गलत बात है, आपकी याददाश्त कमजोर है। सुप्रीम कोर्ट ने 24 सेकंड दिए थे तो 10 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए आखिर मेरी आखिरी बात रखना चाहूंगा, 10 सेकंड के लिए मेरी आखिरी बात रखना चाहूंगा। रोटेशनल सीएम का प्रॉमिस, 50-50 फॉर्मूला, धोखाधड़ी, झूठी बात अमित भाई शाह ने की थी, देवेंद्र फडणवीस की थी, धोखा हुआ इसलिए शिवसेना हटा, ये सही बात है। और इन्होंने जो किया गलत है। आप कांग्रेस शिवसेना की अलायंस की बात कर रहे हैं, बीजेपी पीडीपी के अलायंस के पास थोड़ा प्रकाश डालिए ना। शिवसेना को क्या था 3 साल के लिए? धोखे की बात कर रहे हैं तो क्या शिवसेना को ये मैंडेट मिला था कि कांग्रेस और एनसीपी जिसके खिलाफ उसे वोट मिला उनके साथ जाकर सरकार बना दे? आप कर्नाटक का फॉर्मूला फिर से यहाँ पे तैयार कर रहे हो और कर्नाटक का फॉर्मूला का क्या हुआ वो पूरी देश और पूरे कर्नाटक की जनता ने और देश ने देखा है। बहरहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मैं आपको बताऊंगा कि देश की जनता क्या सोचती है शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की महामिलावट वाली सरकार पर, और आपको शेयर चैट के यूजर्स की वीडियोस भी बताऊंगा। 52% लोग, 52% लोग ये कह रहे हैं कि शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस ये जो महामिलावट वाली सरकार बना रहे हैं ये दरअसल महाराष्ट्र के वोटर के साथ धोखा है, धोखाधड़ी है। मैं जाना चाहता हूं एक बार फिर से विजय के पास। विजय जी, आपको याद है कि कांग्रेस के बारे में बालासाहेब ठाकरे क्या कहते थे? आज भी बालासाहेब ठाकरे की विचारधारा है आपकी या आपने अपनी राय कांग्रेस में बदल दी? आप पर शेजाद जी, आप पर एक बार आप पर मुझे गौरव है, आप मुझे समय दीजिए। क्या ये चैनल पे 1 मिनट देते हैं? मैं 1 मिनट में बात करना चाहता हूं, अगर आप करना ही पड़ेगा ना। आप डेमोक्रेसी का 4th पिलर है, मैं गौरव देना चाहता हूं, लेकिन आप क्या, मैं क्या एक दंड यात्रा कर सकता हूं आप पर? किसी भी जीवन में किसी भी पार्टी को, इंसान को या पार्टी को मुख्यत्व मिलना है। आप भी समझ सकते हैं, जब आप कांग्रेस में शामिल थे, आपको आपने समझा कि मुझे मुख्यत्व नहीं मिला, मेरा टैलेंट का कोई रिकॉग्निशन नहीं किया, आपने क्या किया, आपने बाहर आ गया, आपने बाहर मेरा सिद्धांत आज भी वही है ना सर, पार्टी समझ रहे हैं। फर्क ये है जो आप में और मुझमें फर्क ये है, सुनिए, आप में और मुझमें फर्क ये है कि मैं अपने सिद्धांत पे आज भी कायम हूँ। मुझे आज भी लगता है कि शिवसेना में अगर वो पुत्र मोह है, कांग्रेस में पुत्र मोह है, और कांग्रेस और शिवसेना में सिर्फ पुत्र मोह ही एक है जो कॉमन है। पर मैं आपको सुनाना चाहता हूँ बालासाहेब ठाकरे, सुनिए सर, मैं आपको सुना देता हूँ बालासाहेब ठाकरे कांग्रेस के बारे में क्या सोच सकते थे, कांग्रेसियों के बारे में क्या सोच सकते थे, सुन लीजिए सर। शायद अगर हो सकता है फोटो पीछे लगाकर आप बात भूल गए, फोटो पीछे लगाने से कुछ नहीं होगा, बात क्या थी मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। बालासाहेब ठाकरे की बात विजय जी को सुनाए ताकि उनको याद आए कि बालासाहेब ठाकरे क्या सोच रखते थे। ये पंचकड़ी है ना, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका वडेरा, यांचा तुमचा तो रॉबर्ट वडेरा, तो म्हणता भला माणूस आहे अहमद पटेल, तोही ही पंचकडी आज आमच्या देशावरती परदेशातली औलाद ही सोनिया गांधी, आता आहे काय? मोगल गेले, ब्रिटिश गेले, इटालियन आले, आणि तुम्ही मुर्दार हिंदू, मी असं म्हणेल आता तुम्हाला, मला राहत नाही कोणाच्या रक्तात आहे की नाही तेच कळत नाही, सिलेंडर वाढवा मजा। इटालियन, विदेशी, पाखंडी, मैं सिर्फ आपसे इतना चाहता हूं सर, आप ये कह दीजिए कि बालासाहेब ठाकरे गलत थे,
आप शिवसेना के जिम्मेदार प्रवक्ता है, शांतनु गुप्ता, कोई गलत उम्मीद है मेरी? अगर आज कांग्रेस के साथ ये मेलजोल कर रहे हैं तो कम से कम बोल देंगे ना विजय जी, बाला साहेब ठाकरे पाखंडी। मैं सिर्फ आपसे इतना चाहता हूं सर, आप ये कह दीजिए कि बाला साहेब ठाकरे गलत थे। आप शिवसेना के जिम्मेदार प्रवक्ता है, शांतनु गुप्ता, कोई गलत उम्मीद है मेरी? अगर आज कांग्रेस के साथ ये मेलजोल कर रहे हैं तो कम से कम बोल देंगे ना विजय जी, बाला साहेब ठाकरे गलत थे, उन्होंने गलत आकलन किया कांग्रेस का। तो शहजाद, मैं अपनी बात फिर से दोहराऊंगा, राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने पिछले हफ्ते एक एक आपसे, विजय जी सुन लीजिए, फिर एक साथ जवाब दे दीजिएगा। विजय जी बस ये सुन लीजिए, राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने पिछले हफ्ते ही एक ऑर्डर पास किया है कि अब से उनकी टेक्स्ट बुक में सावरकर के पहले वीर नहीं लिखा जाएगा। तो अगर आप सरकार बनाएंगे तो आप भी ऐसा महाराष्ट्र में करेंगे क्या कि सावरकर के पहले वीर नहीं लिखा जाएगा? और ये तो एक मुद्दा है, ऐसे और बहुत सारे मुद्दे हैं। 370 पे आप दोनों को बिठा ले तो आप क्या बोलेंगे? अभी राम मंदिर पे जो फैसला हुआ है, इनके वकील कौन है? कपिल सिब्बल, जो पिछले कई सालों से ये कोशिश कर रहे हैं कैसे राम मंदिर ना बने, अब वो इनके वकील है। तो उन्होंने बाला साहब की तस्वीर तो बिल्कुल, जैसे आपने कहा, पीछे से हटा देनी चाहिए, सोनिया माता की लगा दीजिए, वही आपकी मातोश्री है। मैं सैयद अब्बास, इसका जवाब दीजिए, क्या आप लोग शिवसेना के एनआरसी के ऊपर जो पॉलिसी है, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो अगले सत्र में हो सकता है आए पार्लियामेंट में, आप लोग अब इन सारे मुद्दों पर समर्थन करेंगे शिवसेना के स्टैंड का कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए देश में, एनआरसी लागू होना चाहिए देश में? मैं क्लियर कट जवाब दीजिए सर, घुमा फिरा के नहीं। सर क्लियर कट जवाब देता हूं मैं आपको, मैं ना कांग्रेस पार्टी का हूं ना मैं कांग्रेस का प्रवक्ता हूं, तो मैं ये आपके सवाल का जवाब कैसे दूं मेरे भाई? क्यों, क्या दिक्कत है जवाब देने में? जवाब सिर्फ इतना देना है कि क्या आपने शिवसेना को कोई सेक्युलरिज्म की वॉशिंग मशीन में डालकर उसकी धुलाई कर दी है ताकि वो सांप्रदायिक ना रहे, वो अब साफ सुथरा हो जाए और आप उनको साथ में ले सके गठबंधन में? जायज सवाल है। जैसे आपने पीडीपी के साथ किया था वैसे, आप करें तो प्यार, हम करें तो वार। चलिए ऐसी राजीव जेटली, ये राजीव जेटली, और बता दूं प्रैग्मेटिक है, ये प्रैग्मेटिक आइडियोलॉजी, राजीव जेटली प्रिंसिपल्स पे नहीं है कोई राजनीति, राजीव जेटली विचारधारा को गिरवी रखना प्रैग्मेटिक है, इससे आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? आपने भी तो कई जगह किया है, पीडीपी और बीजेपी का जो गठबंधन था वो एक उदाहरण है जी। मैं आपसे एक ही बात बोलना चाहता हूं, पूरी डिबेट के अंदर आपने कहीं देखा हमने ये कहा कि कौन सरकार बनाएगा, कैसे बनाएगा, क्यों नहीं बना रहा है? हमने तो कहा कि राज्यपाल ने सबको आमंत्रित किया था सरकार बनाने के लिए, और शिवसेना इस भरोसे बैठी थी कि कांग्रेस पार्टी एनसीपी के थ्रू हमें समर्थन देगी और हम अपनी सरकार बनाएंगे। किसी ने रोका था इन्हें, नहीं बना पाए ना। आखिर में एनसीपी को दोबारा से चिट्ठी देनी पड़ी राज्यपाल को, उनको कहना पड़ा कि हमें और वक्त चाहिए। और वक्त का क्या मतलब है कि कांग्रेस जो नेगोशिएशन करना चाहती है हिंदुत्व की विचारधारा से हटके, शिवसेना को एक ऐसी राजनीतिक पार्टी बनाना चाहती है जिस पार्टी के अंदर ये विचारधारा पनपे कि राम का अस्तित्व भी नहीं है, राम तो थे ही नहीं। पर शिवसेना जो शिवसेना आज तक जिंदगी में केवल राम के लिए लड़ाई लड़ी हो, कल को राजीव जेटली, आप बताइए, आप पूछिए। राजीव जेटली, फडणवीस जी बोल रहे कि सरकार तो हम ही बनाएंगे, बीजेपी ही बनाएगी, तो आप अब जो शिवसेना के कसीदे गा रहे हैं, आप आगे जाके शिवसेना का हाथ नहीं थामेंगे ना? अब शिवसेना आपके लिए राजनीतिक रूप से अछूत हो गई है। नहीं, मैंने आपसे कहा हम दोनों ने मिलकर चुनाव लड़ा है, जनता ने शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी के अलायंस शिवसेना को अपना मैंडेट दिया है, हम दोनों ने मिलकर लड़ा है। हम बेईमानी नहीं करना चाहते जनता के साथ, धोखा नहीं करना चाहते, जो मैंडेट मिला है हमें उसका सम्मान करना चाहिए। मैं तभी बार बार आपसे कह रहा हूँ कि शिवसेना भी अगर जनता का सम्मान करे, उनके मैंडेट का सम्मान करे, देखिए शिवसेना का कोर वोटर कौन है, शिवसेना को किसने वोट किया, क्या उसने वोट किया जो चाहते थे कि धारा 370 का विरोध हो? सवाल पूछे तो मैं खिलाफत करते हूँ, उन्होंने वोट नहीं किया, शिवसेना को उन्होंने वोट किया जो हिंदुत्व विचारधारा के साथ चलते थे। जी जल्दी पूछे। राजीव जेटली साहब, मेरा एक छोटा सा सवाल है आपसे, आपने एक बहुत ही बढ़िया बात बताई कि शिवसेना आपका छोटा भाई है और अनबन तो हुई है, कोई बात नहीं, क्योंकि जैसे हम जानते हैं राजनीति में कोई परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मेरा छोटा सा सवाल है आपसे, जो गवर्नर साहब हैं कोश्यारी साहब, जो सहसंगी हैं और बीजेपी के बहुत माने हुए लीडर हैं, क्यों उन्होंने ऐसा किया, आपके भाजपा को 2 दिन और शिवसेना को केवल 1 दिन,
क्यों नहीं इक्वल फेयर गेम खेला? दो दिन ऐसे गवर्नर पे सवाल उठा रहे हैं, गवर्नर की नैतिकता पर सवाल उठा रहे हैं सैयद अब्बास, जवाब दीजिए। मैं तो एक ही बात, मैंने अभी थोड़ी देर पहले मेरी बात शायद लोगों की जिन्होंने सुनी नहीं कि एक चिट्ठी गवर्नर साहब को दी जाती है और कहा जाता है कि हमें 12:30 बजे तक का वक्त चाहिए, हम अपना मेजोरिटी प्रूव कर देंगे। आप दोबारा चिट्ठी देते हैं, अभी हमारे पास मेजोरिटी नहीं है। मेजोरिटी नहीं है का मतलब यह है कि कांग्रेस आपसे नेगोशिएशन कर रही है, अभी नेगोशिएशन पूरा नहीं हुआ। आप सोचिए, एक कल्पना कीजिए, एक ऐसी शिवसेना जिस शिवसेना को कांग्रेस पूरी तरह से कन्विंस कर ले, नहीं दे रहे हैं आप यहाँ बैठ करके बोले कि मैं खिलाफत करता हूँ भारतीय जनता पार्टी की, कि 35 बता तो रहा हूँ भैया, मेरे सुन तो लो। आप घुमा घुमा के बात दीजिए ना, समर्थन किसने बोला कि आपको, आप क्यों उनको इस्लामिक पार्टी बनाना चाह रहे हैं? आप क्यों उनको इस्लामिक कट्टरपंथी की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं? क्या शिवसेना जाना चाहेगी उस दिशा में? आप उनसे पूछिए तो सही उनसे जाना चाहेंगे क्या? अभी देखिए यही है, अरे भाई वो नहीं चाहते हैं। आप लोग उनके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं, आप धर्म परिवर्तन करवाना चाह रहे हैं। धर्म परिवर्तन सैयद अब्बास कह रहे हैं कांग्रेस अपना वीर सावरकर पे स्टैंड नहीं छोड़ेगी, कांग्रेस यूसीसी पे स्टैंड नहीं छोड़ेगी, कांग्रेस राम पे स्टैंड नहीं छोड़ेगी, राम के ऊपर सवाल उठाया था कांग्रेस ने। तो ऐसा ना हो जाए कि शिवसेना जो कल तक कहती थी हम हिंदुत्व की ओरिजिनल पार्टी है, क्या आप मुस्लिम पुष्टिकरण वाली पार्टी बनेंगे? विजय जी सवाल उठा, आप भी अब मुस्लिम तुष्टिकरण वाली पार्टी बनेंगे? सर प्रश्न लंबा है मुझे, आप ये सोचिए जब सुप्रीम कोर्ट में एक अच्छी फैसला आ गया, हमारा प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि ये फैसला आके किसी का हार किसी का जीत नहीं। सर मुझे पता है आपने उस लॉयर को अपना वकील रखा जिसने राम मर्यादा की सुनवाई में देर हो उसके लिए वकालत की ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से, मतलब कपिल सिब्बल, शांतनु गुप्ता कपिल सिब्बल को इन्होंने अपना लॉयर बनाया जिसको मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने लॉयर बनाया, और राम पर सवाल भी उठाए थे 2007 में, हलफनामा दिया कि राम का कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन सत्ता के लालच में शिवसेना जी ने डाइल्यूट थोड़े समय बाहर में बाहर में वो शिवसेना है क्या? वो कोई भी स्टैंड करता है, शिवसेना खुद नहीं बता पाएगी उसका क्या कार्यकर्ता अभय ले नहीं बता पाएगा कि शिवसेना है क्या? वही बाला साहब ठाकरे की शिवसेना थी क्या? हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे की क्या शिवसेना थी? 6 महीने में डाइल्यूट हो जाए क्या जी? कांग्रेस की और सरकारें भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी का बीजेपी कहां है? आपसे देख के अटल बिहारी चाहते थे राम मंदिर बने, राम मंदिर बने, अटल बिहारी चाहते थे 370 हटे, जनसंघ के समय से 370 हटाने की बात वो हट रही है, अटल बिहारी चाहते थे यूपीसी उठ रहा है, ट्रिपल तलाक के बहाने राजनीति के पर ले लिया गया, अटल की सारी चीजें पूरी हो रही है। विजय जी अगर अटल बिहारी वाजपेयी से दिक्कत थी आपको या अटल बिहारी वाजपेयी की याद आ रही थी दिक्कत थी तो बीजेपी के साथ चुनाव साथ में क्यों लड़ा? राजीव जेटली अब सवाल बीजेपी पे उठा रही है शिवसेना, शिवसेना बोल रही बीजेपी वो नहीं रही, वाजपेयी जमाने वाली बीजेपी नहीं रही, तो चुनाव क्यों लड़ा था तुम? में डूबे हुई टीडीपी सांसदों को, 4 राज्यसभा सांसदों को आपने बीजेपी में शामिल किए हैं। क्या झारखंड में 2 बीजेपी एमएलए हैं? एक एमएलए पर ये राजीव जेटली जवाब दीजिए, फिर मुझे एनसीपी के पास 100 करोड़ लगातार हमला कर रहे हैं और एक एमएलए कैंडिडेट है उस पर मर्डर केस का आरोप है, क्या बात कर रहे हैं जी? एक सेकंड राजीव जेटली काउंटर कर रहे हैं। बहुत छोटा सा प्रश्न उठाता हूं मैं जी, मैं बहुत छोटा सा प्रश्न उठा रहा हूं। हमारे जो शिवसेना के भाई हैं आप इनसे पूछिए, 24 तारीख से पहले तक ऐसी कोई स्टेटमेंट थी आपकी क्या? क्या आपने कहीं पे भी इस तरीके की खिलाफत करी? क्या कहीं पे भी कहा आपने? तब मोदी जी के साथ आप मंच शेयर कर रहे थे, अमित शाह जी के साथ मंच शेयर कर रहे थे, गडकरी जी जो बोल रहे थे उसका सम्मान कर रहे थे, और इन सभी बातों के अंदर उद्धव ठाकरे जी भी मंच पर हुआ करते थे, सभी ने माना बार बार कि देवेंद्र फडणवीस जी हमारे मुख्यमंत्री होंगे, तब आपके मुंह से ये बात क्यों नहीं निकल रही थी? बताओ, आप आपने सही तरह से हमारा पक्ष के खिलाफ ना कह रहा हूं, मैं ये कहा कह रहा हूं कि अगर मुख्यमंत्री पदवी के लिए ये 2.5 साल का इश्यू बाहर आ गया तो केवल एक ही बात कह रहा हूं मैं, और भाजपा जो भाई तक होता है मेरे भाई इतनी बात आवश्यकता है, इसलिए हमने ये नहीं कहा
ये एक इंडोर मीटिंग में हुआ एक समझौता। अब हमें पता चला ये कांग्रेस वाले खराब कर देंगे आपको। आने से ही बोल रहा हूँ आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे और वोटर आपसे दूर हो जाएगा, कार्डर आपसे दूर हो जाएगा, वोटर भी दूर हो जाएगा, कार्डर भी दूर हो जाएगा, किसके रह जाएंगे? हमारा सुनिए मेरी बात, राज्यसभा सांसद संजय रावत जी ने अस्पताल में भर्ती हुए हैं लेकिन काम करते रहे, उसने कहा अग्निपद, हम पद किस भी किस तरह का अग्निपथ की बात कर रहे हैं आप अग्निपथ की बात कर रहे हैं, आप समर्थन पत्र मांग रहे हैं वो आपको लॉयर दे रहे हैं, आप समर्थन पत्र की मांग में हो और वो आपको एफिडेविट दे रहे हैं। चलिए मैं रेशमा पटेल के पास जाना चाहता हूँ। रेशमा पटेल शेरी बनेगा एनसीपी से। रेशमा पटेल एक आदित्य ठाकरे का दिलचस्प ट्वीट है, मैं चाहता हूँ मेरे प्रोड्यूसर उस ट्वीट को स्क्रीन पर डाले, मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ, शायद आपके पास स्क्रीन नहीं होगा। Destroying the Ravan Raj of Congress and NCP, NCP bracket में National Corruption Party. Each of these have looted Maharashtra. मतलब कि हम विजयदशमी के अवसर पर कांग्रेस और राष्ट्रीय भ्रष्टाचारी पार्टी एनसीपी के रावण का सर्वनाश कर रहे हैं, इन्होंने महाराष्ट्र को लूटा। रेशमा पटेल, शरद पवार साहब ने आदित्य ठाकरे को और उद्धव ठाकरे को इस ट्वीट के लिए माफ कर दिया है, अधिकृत स्टैंड क्या है, या आपने मान लिया है कि आप लूट रहे थे? जी यहाँ पे पूरी बात विचारधारा पर अटक के आती है। पहले विरोध में चुनाव लड़ा था, ऐसा तो भारतीय जनता पार्टी ने भी बहुत सी पार्टियों के साथ किया है। अब तक की मैं सुन रही हूँ पूरे डिबेट में विचारधारा की बात चल रही है, तो मैं आपको सिर्फ एक ही उदाहरण देना चाहती हूँ कि अगर भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है, जो राष्ट्रवादी विचारधारा है, वहां पे उसकी एमपी साध्वी प्राची चौधरी ऐसा बोलती है गोडसे हमारा भगवान है, गोडसे देशभक्त है, तब कहां गई थी भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा? मैं आपको ये उदाहरण इसलिए दे रही हूँ शहजाद जी, ताकि विचारधारा में इस झमेले को उलझा के महाराष्ट्र के जो बेसिक प्रश्न है, जहाँ पे रोटी कपड़ा, राजीव जेटली पर इसी बात पे तो वो आपकी टीका टिप्पणी करते थे, कहते थे कि आपने किससे हाथ मिला लिया, और आज खुद हाथ मिला रहे हैं, महामिलावट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये जायज है। नहीं मैं सिर्फ बीजेपी को भाव रखना है, इसलिए किसी के साथ भी हाथ मिला लेंगे, कल दाऊद इब्राहिम के साथ हाथ मिला लेंगे, कल आप कोई भी आतंकवादी के साथ हाथ मिला लेंगे, बीजेपी को भाव रखना है, आप पीएफआई के साथ हाथ मिला लेंगे, आप एसडीपीआई के साथ हाथ मिला लेंगे, राजीव जेटली किसी के साथ भी हाथ मिला लेंगे, उनको बीजेपी नहीं चाहिए, फडणवीस नहीं चाहिए। नहीं हम तो विचारधारा की लड़ाई थी वो मानते हैं, लेकिन आज इसने कुछ कॉम्प्रोमाइज करके जनता के हित के लिए फैसला लेने जा रहे, इसीलिए तो जवाब दीजिए। हमने पहले भी बोला कि हम भारतीय जनता पार्टी नहीं है, कि क्या आपने पहले जनता को बोला था कि हम शिवसेना के साथ सरकार बना लेंगे? चलिए राजीव जी, जनता के देखिए, पहले तो मैंने भारतीय जनता पार्टी को मिला था, वो निष्फल रही है, उसकी निष्फलता पे उंगली उठानी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं बना पाई, उसने राष्ट्रपति इतना झमेला किया कि राष्ट्रपति शासन आज महाराष्ट्र में लग चुका है, बीजेपी जवाब दीजिए, भारतीय जनता पार्टी सारा ठीकरा बीजेपी पर, बीजेपी की जिम्मेदारी है, इसलिए हम लोग मजबूरी में सरकार बना रहे। बोलिए, मैं छोटी सी बात रखना चाहता हूँ, क्या जनता अपना हित नहीं जानती है? क्या जनता अपना हित नहीं जानती? जनता ने किसको दी 54 सीटें? क्या आपकी सरकार बनाने के लिए दी? या जनता ने 44 सीटें किसको दी? क्या सरकार बनाने के लिए दी? या 56 सीटें सरकार बनाने के लिए दी? जनता ने 105 सीटों पे मोहर लगाई, जनता के मैंडेट का सुनो मेरी बहन, रेशमा बात सुन लीजिए, अब आप बोलिए, चलो कोई बात नहीं। नहीं राजीव जी बोलिए, जल्दी बोलिए। मैं केवल एक ही बात बोल रहा हूँ, बार बार देखिए, ये एनसीपी को भी पता है, शिवसेना को भी पता है, हाँ ये एनसीपी को भी पता है, ये शिवसेना को भी पता है कि ईमानदारी से अगर जनता के मैंडेट की डिलीवरी करनी है तो वो सरकार किसकी होनी चाहिए? वो सरकार उसी की होनी चाहिए जिसको जनता ने अपना मैंडेट दिया। आप बताइए, दो दो राजनीतिक दल, 144 और 154, देखिए ये क्या, ये इसे आप जनता का मैंडेट कहेंगे सरकार बनाने के लिए? हाँ बात यहां नहीं है, बात केवल इतनी नहीं है, बात इतनी है कि जनता ने मैंडेट क्यों दिया, ये गंभीर विषय है, इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। जनता ने दोनों राजनीतिक पार्टियों को, भाजपा और शिवसेना को क्यों चुना? उन्होंने इसलिए चुना क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने वो बोल्ड कदम उठाए थे, वो 370 और 35 से हटाया था, वो आतंकवादियों के खिलाफ जो एक्शन लिया वो दिखाया, भारतीय जनता पार्टी की विल और डिलीवरी को देखते हुए जनता ने मैंडेट दिया था।
आज देखिए शिवसेना को भी जो बहुमत मिला, जो 56 सीटें मिली, उसमें बहुत बड़ा योगदान देश के प्रधानमंत्री का था, जो प्रधानमंत्री और हमारे गृह मंत्री जी द्वारा डिसीजन लिए गए थे, उससे प्रभावित होकर शिवसेना को सीटें मिली। सवाल यह है कि महाराष्ट्र की जनता ने एक पार्टी को 100 सीटें दी, लगभग 36-37 फीसद असेंबली का उनके पास है, और एक पार्टी को उन्होंने सवाल यह है कि महाराष्ट्र की जनता ने एक पार्टी को 100 सीटें दी, लगभग 36-37 फीसद असेंबली का उनके पास है, और एक पार्टी को उन्होंने 60 से ऊपर नहीं दिया, 3 पार्टियों को। अब क्या ये महाराष्ट्र की जनता के साथ सबसे बड़ा धोखा नहीं है कि जिस पार्टी को सबसे बड़ा मैंडेट मिला वो अपोजिशन में बैठेगी, और जिसको मैंडेट नहीं मिला मुख्यमंत्री बनाने का वो सरकार चलाएगी नए मातोश्री से, मतलब 10 जनपद से। बिल्कुल आपने ठीक कहा। देखिए इंग्लिश में कहावत होती है शहजाद कि डिजर्व इट बिफोर यू डिजायर इट, पहले लायक बनिए और फिर इसकी इच्छा करिए। तो मतलब आप 56 सीट लेके आए हैं, 288 की असेंबली में आप 56 सीट लेके आए, आप सोच भी कर सकते हैं क्योंकि बस मेरा पुत्र बन गया। मैं तो बल्कि जेटली से तो आप सरकार बनाने में क्यों विफल हो चुके हैं वो बताइए, से पूछना भी चाहूंगा, कहना भी चाहूंगा, आप बताइए आपका कितना सीटें हैं, 11 सीटें के साथ कुछ ज्यादा ही लीनियंट है। आपने बिहार में जहां आपने इतनी सीटें जीती थी, आपने जेडीयू को इतनी सीटें दे दी, जब आपने शिवसेना को इतनी सीटें दी तो हर हर पॉलिटिकल कमेंटेटर ये बताइए 2014 में कितने सीटें आई बीजेपी ने बहुत दिखाई शिवसेना के साथ विजय जी ये कांग्रेस का 2015 का ट्वीट दिखाइए उनको, कांग्रेस के 2015 का ट्वीट दिखाइए, मैं अपने प्रोड्यूसर से कहूंगा। उसमें उन्होंने कहा है कि ऐसी मानसिकता है शिवसेना की जिसमें शिवसेना और आतंकवादी की मानसिकता में कोई फर्क नहीं है। मैं फिर से एक बार कोशिश करता हूं आपसे पूछने की, क्या आपकी आतंकवादी वाली मानसिकता है या सैयद अब्बास आप मान चुके हैं कि शिवसेना की आतंकवादी मानसिकता नहीं है, वो गलत ट्वीट था, डिलीट करेंगे। शिवसेना बहुत अच्छी पार्टी है, उन्होंने आतंकवादी गतिविधियां नहीं की है जो 2015 में कांग्रेस ने आरोप लगाया था। सैयद अब्बास आप ट्वीट डिलीट कराएंगे कांग्रेस से? देखिए शहजाद भाई जैसे शांतनु गुप्ता जी ने अंग्रेजी में एक कहावत कही थी, मैं भी अंग्रेजी में कुछ कहना चाहूंगा। द वर्ल्ड ऑफ पॉलिटिक्स देर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, देर आर नो परमानेंट एनिमीज। बहुत सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या हो रहा है महाराष्ट्र पॉलिटिक्स में जो हम रोज यहाँ पे कर्नाटक में बैठ के देखते हैं, कोएलिशन पे कोएलिशन, ये कभी उसका दोस्त तो कभी उसका दोस्त, कभी ऐसा सरकार कभी वैसी सरकार। बहुत सिंपल सी बात है, राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते मैं एक बात शेयर करना चाहूंगा, पॉलिटिक्स में जिसका पल्ला भारी वहां पे जमेंगे सरकार बनाएंगे। बहुत ही सिंपल जनता, महाराष्ट्र की जनता क्या सोच रखती है ना आपकी पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस को देख लीजिए। 80% लोग, देखिए सैयद अब्बास भले ही कहे कि राजनीति में कोई स्थायी दोस्त स्थायी दुश्मन नहीं होता, पर सांप और नेवला सिर्फ तभी दोस्ती करते हैं जब सुनामी आती है। हो सकता है कि देश की जनता ये भी देख रही हो कि कुछ अवसरवाद और मौका परस्ती को देखते हुए सांप और नेवले में दोस्ती हो गई, पर 80% जनता ये कह रही है कि कांग्रेस एनसीपी और शिवसेना की महामिलावट वाली सरकार महाराष्ट्र की जनता के साथ एक बड़ा धोखा है, महाधोखा है। बस आज के लिए इतना ही समय था, मैं तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, और उम्मीद है कि महाराष्ट्र में जल्दी सरकार बनेगी, किसी की भी बनेगी पर जनता के लिए बनेगी और जनता के लिए काम करने के लिए बनेगी, ना कि किसी के बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए। बस इतना ही आज के लिए, जय हिंद जय भारत। कल फिर से मिलेंगे हम 3:55 पर एक और नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़ राइट अराउंड।